लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों मंगत राय लांबा की नमस्ते जय हिंद। बाण और भाइयों देखिए, तूफान का कहर इतना खतरनाक तूफान था जिसने हजारों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, हजारों की संख्या में बिजली के पोल तोड़ दिए, सब कुछ ठप कर दिया। ये देखिए इधर इतनी बड़ी बड़ी किक्कर, इतनी बड़ी किक्कर थी ये, इसको नहर के अंदर, ये शिवानी कैनाल जिसको बोलते हैं, वैसे इसको बीएनसी बोलते हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर जो राजस्थान के बॉर्डर तक जाती है, इसको पूरी को क्लोज कर दिया है बिल्कुल। इसके अंदर इतने पेड़ कट कट के पड़ चुके हैं कि पूरी नहर बंद करनी पड़ी, पीछे से पानी नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब पूरी रात का ये कहर आप देखिए किस प्रकार, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाइए, ये देखिए किस प्रकार पूरी वहाँ तक दूर तक, ये देखिए तार, ये इधर पोल टूटे हुए हैं सारे, पूरी बिजली की व्यवस्था पूरी ठप है। सभी किसान जो अभी फसल बोने के लिए या कपास बाड़ी जिसने बो रखी थी उसकी सिंचाई के लिए और अन्य फसल बोने के लिए जो तैयारी थी, उनके ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं, उनका जो कार्य है वो ठप हो चुका है, नहर का पानी बंद हो चुका है, पूरी नहर पेड़ों से अटी पड़ी है। ये देखिए इधर कितने बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं, ये देखिए सबसे बड़ा पेड़ किक्कर का है, ये बबूल का जिसको बोलते हैं, किक्कर का पेड़, साथ में ये बिजली के तार और ये पोल, ये देखिए कितना खतरनाक, ये दिखाइए कितना बड़ा पेड़ जो है ये, उधर दो पोल ये इधर पड़े हैं, ये एच पोल था, इधर ये एच पोल गिर गया, पूरी जो क्रॉसिंग लाइन थी पूरी की पूरी ठप हो चुकी है। ये दिखाइए इधर, ये देखिए ये पेड़ जो है, पोल बिजली के जितने भी हैं सभी यहाँ धराशायी हो चुके हैं, सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। ये देखिए पूरा जड़ से उखड़ा हुआ पेड़, पूरी जड़ से बहुत भारी पेड़ ये किक्कर का पेड़ था, इसी प्रकार सैकड़ों की तादाद में पेड़ उखड़े हुए हैं, बिजली के पोल उखड़े हुए हैं, कहीं टंकी गिर चुकी है, ये व्यवस्था सारी की सारी ठप हो चुकी है। किसान बहुत परेशान है, मंडियों में जो फसल ले जाने के जो रास्ते थे वो पूरे बंद हो चुके हैं, हर जगह हर व्यवस्था सारे रास्ते क्लोज हो चुके हैं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे गांव की बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है, कल रात से कहीं भी बिजली नहीं है, कहीं भी पीने का पानी के लिए जो वाटर वर्क्स की लाइनें थी वो सभी ठप हो चुकी हैं, हर वर्ग समस्या से परेशान है। और इसका देखिए इतने बड़े युद्ध स्तर पे लोग लगे हुए हैं इसको उठाने में, ताकि रास्ते साफ हो चुके, आने जाने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुके, इसके दोनों, ये नहर की दोनों तरफ रास्ते हैं दोनों बंद हो चुके हैं, किसान अपने खेत में नहीं आ जा पा रहे हैं, इसलिए किसान खुद रास्ता बनाने के लिए लगे हुए हैं अपने अपने खेतों का, ताकि पशुओं के लिए चारा लिया जा सके, पानी की व्यवस्था की जा सके, अपने खेत में जा सके। ये इधर दिखाऊंगा मैं आपको, कैमरामैन से कहूंगा, ये एच पोल था, यहाँ इसके ऊपर टंकी थी, जो यहाँ ट्यूबवेल की टंकी थी ये नीचे गिर चुकी है, ऊपर से नीचे गिरी बहुत ही खतरनाक ढंग से, आंधी के अंदर ये लाइन गई थी, ये पोल टूट चुके हैं सारे, ये सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो इसलिए शायद कई दिन लग जाएंगे इस काम को पटरी पर आने में। तूफान ने बहुत बड़ा कहर ढाया है, आइए आपको और आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं सड़क किस प्रकार जाम है, किस प्रकार लोग लगे हुए हैं सड़क खोलने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा।